अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज। मैं हूं शनाज और आज हम इस तरह की बूटीज बनाएंगे। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिगनर्स भी इसको बड़े आराम से बना लेंगे। ये 5 और 6 साइज वालों को आएगी। इसके लिए मैंने 10 नंबर नीडल का इस्तेमाल किया है। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बेल के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब हम इसको बना लेते हैं। इसके लिए 2 कलर की पोलन और 10 नंबर नीडल का इस्तेमाल करेंगे। आइए अब हम इसमें फंदे डालते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से एक लूप बनाएंगे और इसे नीडल में उतार लेते हैं ऐसे, और ये वाले सिरे को टाइट हम लपेट लेते हैं किसी चीज में। इस तरह वूलन को मोड़ कर फंदे बनाते जाएं। फिफ्टी फंदे मैंने इसमें डाले हैं। आइए अब हम इसको बुनते हैं। सबसे पहले हमें एक उल्टा एक सीधा बुनना है। ये देखें ऐसे एक सीधा बुनेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा बुनते हुए हमें इस रो को पूरा करना है। सेकेंड रो भी हमें इसी तरह बुनना है, सीधे को सीधा और उल्टे को उल्टा। ये देखें अभी हमें ये फंदा इस तरह से निकाल लेना है, इसको हमें एंड तक इसी तरह करना है। ऐसे ही इसको बुनना कंटिन्यू रखेंगे। जब 5 रो हो जाएं, 1, 2, 3, 4, 5, तो इस रंग को हम काट देंगे और अगले रंग को ऐड करेंगे। अभी हमें सारी सिलाइयां उल्टी उल्टी बुननी है, कोई भी सीधा फंदा नहीं बुनना। लास्ट का स्टिच अभी हमें इस तरह सीधा करके बुनना है। ऐसे ही इसको बुनना कंटिन्यू रखेंगे। नाइन रो मैंने अभी बुने हैं और एक बार हम ये लाइनें भी गिन लेते हैं। ये देखें, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30। ये 30 बन गई हैं सीधी तरफ से। अभी हम उल्टी तरफ से जो है यहां से धागे को चेंज करेंगे और एक रो उल्टा और बुनेंगे तो ये 30 हो जाएंगी, तो टोटल जो है रो 60 हो जाएंगे। आइए अब हम इस कलर को ऐड करते हैं और ये वाले कलर को यहीं पर हम कट कर देते हैं। थोड़ा सा लंबा रखकर हम इसे कट देंगे।
ये धागा हम स्टिचिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। आइए अब हम इसमें ये वाला कलर जो है ये लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर बुनाई की है वैसे ही बुनेंगे। एक सिलाई हम उल्टी बुनेंगे और बाकी के एक सीधा एक उल्टा। कलर को आप जब भी लगाओ तो ये जो धागा है इसको हमें साथ में ही रखना है, ये देखिए ऐसे, ताकि ये जो स्टिच है यहाँ पर ढीले ना पड़े और फिनिशिंग जो है वो अच्छी आए। इस तरह से धागे को मोड़ते जाएं, 5-6 स्टिच को इसी तरह बुनना चाहिए। इस रो को हमें उल्टा ही बुनना है। और अभी हमारे पास जो है बॉर्डर बुनने के बाद ऊपर के जो रो हैं वो 60 हो जाएंगी। 15 लाइनें उल्टी तरफ भी नजर आएंगी और सीधी तरफ मैंने आपको गिनकर दिखा दी है, ये देखें। तो मैं इसे पूरा यहाँ तक बना लेती हूँ। ये देखें, ये रो कंप्लीट हो गया है। अभी हम इस तरफ आ जाते हैं। अभी हमें एक उल्टा एक सीधा बुनना है। उससे पहले हमें ये वाला स्टिच जो है वो इसी तरह उतार लेना है। एक सीधा बुनेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, सीधा उल्टा। एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए हम 5 रो बुनेंगे। ये एक रो हमने बना लिया है और 4 और बुनेंगे। ये देखिए, एक रो हमारा कंप्लीट हो गया है, 4 रो और बना लेते हैं। ये देखिए, इसमें हमें इस तरह से एक फंदे को निकालना है। एक उल्टा एक सीधा, तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूं फिर आगे बताती हूं। 5 रो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अभी हम उल्टी तरफ से इसको बंद कर देंगे 2 का 1 करते हुए। दो फंदों को एक साथ ऐसे उठाना है और इस तरह से एक कर देंगे। फिर से इसे नीडल में उतार लेना है और फिर से हमें 2 का 1 कर देना है। ये देखें, ये इस तरह से चेन बन जाएगी। तो मैं इसे यहाँ तक बंद कर देती हूँ। ये लास्ट की स्टिच है। अभी हमें इस धागे को उतना काट लेना है जितना इसकी हम आगे से स्टिचिंग कर सके। ये देखें, ये एक स्टिच जो बच जाएगा उसको भी हमें इस तरह से ऐसे बुन लेना है और ये वाला धागा हम इस तरह से निकाल देंगे। और ये जो धागा है इसी के साथ हम इस एरिए की स्टिचिंग भी कर लेंगे। ये देखें, ये इस तरह से जो है चेन बन जाएगी। बंद करने के बाद सीधी तरफ से ये ऐसे नजर आएगा। अभी हमारे पास टोटल रो जो हैं वो 70 हो गए हैं। 5 यहाँ पर हैं, बीच के 60 हैं और 5 यहाँ पर हैं। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग के लिए मैंने ये वाले कलर के धागे को नीडल में डाल लिया है और यहाँ से हम स्टिचिंग जो है शुरू करेंगे। तो यहाँ तक हम इसकी आगे की स्टिचिंग करेंगे। ये वाला हिस्सा जो है वो खुला रहेगा। वो देखें हमें किस तरह से करना है। ये जो हमारी डिज़ाइन की धारियां हैं
उल्टे सीधे फंदों की, ये आपस में मिलनी चाहिए, जैसे कि ये इसके साथ मिलेगी और दूसरी इसके साथ मिलनी चाहिए। इस तरह से हमें स्टिच करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे रखकर स्टिचिंग करें, तो आपको ये धारियां दिखेंगी भी और स्टिच भी आसानी से कर लोगे। तो ये देखें, यहां से शुरू किया हमने और ये वाले स्टिच को यहां से उठाएंगे, ये देखिए यहां से, और ये वाले स्टिच के साथ ऐसे इसको मिला देंगे। और ये देखें, ये धारी को हमने, ये देखिए यहां से लिया और यहां से स्टिच को ले लिया। इस तरह स्टिचिंग करने में आसानी भी रहेगी और कोई भी जो धारी है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगी, एकदम एक दूसरे के सामने आएगी। ये देखिए, यहां से स्टिच लेंगे और यहां से लेंगे। अभी उल्टे फंदे के स्टिच हैं, ये देखें, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ बीच में से, यहाँ से, बस ऐसे ही आपको स्टिच को लेते जाना है और इसको सिलते जाना है। बहुत ही इजी सा मेथड है सिलने का भी, ये देखें। अभी आप देखें, ये धारियां जो हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिल गई हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहां तक सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी स्टिचिंग मैंने कर दी है। अभी हमें क्या करना है, जहां से हमने स्टिचिंग की है उसी तरफ को हम बैक स्टिचिंग करेंगे इस तरह से। इस तरह करने से धागा जो है वो निकलेगा नहीं। ये उल्टी तरफ है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अभी हमें यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग करनी है। अभी आप यहाँ पर देखें, ये जो सिलाई का हिस्सा है ये बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, उसको इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ से मोड़ोगे तो ये देखें, ये बराबर हो गया है। तो अब हम यहाँ से सिलाई शुरू कर सकते हैं। उसके लिए हम बीच के स्टिच, ये वाले स्टिच लेंगे।
जहाँ पर हमने धागा कोई छोड़ा हुआ है तो वो वाला स्टिच आप पूरा भी उठा सकते हो। ये स्टिचिंग पूरी हो गई है और ये वाली भी हो गई है। अभी हमें क्या करना है, ये देखें, इसको स्टिच करेंगे। ये जो धागा यहीं पर है इसी को हम नीडल में डाल लेते हैं और ये वाली स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा धागा लगाकर उसके साथ स्टिचिंग कर लेते हैं।
ये देखें जी, इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। और ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पर आप कोई बीड्स वगैरह भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी इसको पहन सकते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पर बीड्स लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।